हमारी गाड़ी ये देख सकते हो हरियाणा नंबर है आई सोनीपत से, पानीपत से गाड़ी आई है, पानीपत से आई। ये हमारी ओल्ड i20 है जो कि आज भी ये शेप बहुत ट्रेंडिंग है, न्यू इलीट है 2019 मॉडल है। ओके लाइट मॉडल है तो भाई कुछ मतलब बाहर तो कुछ नहीं किया, इसमें एचडी किट लगाई है खाली व्हाइट लाइट की, ठीक है। और चलते डायरेक्ट आपको इंटीरियर, तो चलते एक बार अंदर की तरफ। ने पहले आपको कहा था कि पोर्श इंटीरियर आज हम फर्स्ट टाइम i20 में लेके आए हैं, तो थोड़ा सा डोर से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा अलग पैटर्न किया है डोर से। फिर एक बार फिर कहूंगा जैसे ओवरव्यू पर बाहर से देखने का गाड़ी का जो एक हाँ। क्लिप में नहीं पता चलता सब ऐसे आपको कहूंगा दिखाने के लिए एक बार फिर से आप देख लो इंटीरियर की। भैया आप इसको एक गाड़ी इतनी ब्रॉड हो चुकी है ना अंदर से कलर के हिसाब से, तो ये इंटीरियर में एक खासियत होती है गाड़ी अंदर से ना ऐसे बड़ी लगने लगती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जो ब्लैक कलर होता है ना वो थोड़ा डल होता है डल उसे एक छोटापन होता है गाड़ी में। अभी क्या हमारा बड़ापन आ चुका है गाड़ी के अंदर, एक ब्रॉडनेस आ चुकी है। और स्टार्ट करते हैं डोर से लेके स्टार्टिंग, जैसे हमारा अपर पीस जो हमारा जो मैट ब्लैक को हम लोग पियानो ब्लैक करते हैं वो किया है। इस बार हमने अपर में जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन नहीं लिया, वो पूरा डोर एक सिंगल कलर में कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है। और जो हमारा ये वाला पार्ट कंपनी का था, ये वाला थोड़ा लाइट काफी का बड़ा वुडन पीस किया, इसको हमने पूरा का पूरा वुडन में कन्वर्ट कर दिया। इनसाइड के जो पीस था उसको हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। Okay, ये हमारा जो ट्विटर वाला पोर्शन रहता है जी ये तो पूरा मतलब सेम एक ही वुडन में पूरा कन्वर्ट हुआ हुआ। उसके बाद पावर विंडो की पीस की बात करें तो सेम कलर वुडन का मैचिंग है पूरा का पूरा। ओवरऑल जो पूरा डोर है ना वो पूरा एक ही कलर कोटिंग में है, और मतलब डोर की लुक देखेंगे ना आप तो डोर खोलते ना एक अलग ही फील मारता डोर, क्योंकि एक छोटी छोटी हाईलाइटिंग जो है ना वो गाड़ी के अंदर ना एक चार चांद लगाने वाला काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जैसे हमारे भाषा में कहा जाए चार चांद लगे। और अब गाड़ी के अंदर एक बार बैठ के देखते हैं अब ये देखो, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ गाड़ी कितनी बड़ी लग रही है। हैचबैक गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी होती है, उनका इंटीरियर उस तरह का बना होता है कि अंदर हम बैठेंगे तो लगती है कॉम्पैक्ट गाड़ी है, तो इससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी एक ना बड़ी लगने लगती है। तो अब चलते अंदर की साइड और ये हमने किया डोर बंद। अब एक चीज़ आप ये देखो, ये चीज़ कितने फ्लो में चल रही है, हमारा वुडन जो है पीस काफी फ्लो में चल रहा है। यहाँ पर दिखाऊंगा आपको इसी रंग से मैचिंग करा है, क्योंकि ये साथ में अटैच होता है इसके रंग जी, मतलब खोलने के बाद अलग हो जाता है बट लेकिन जैसे बंद गाड़ी में बिल्कुल एक फ्लो में आप बैठ रहे हैं तो बैठने के बाद क्या है कि फ्लो पूरा चल रहा है, तो इसलिए उसको भी वुडन में कन्वर्ट किया हुआ। अपर पार्ट जितना भी हमारा वो ब्लैक में कन्वर्ट किया हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया हुआ, ब्लैक कम लिया गाड़ी के अंदर, और जितने पिलर्स वगैरह छत वगैरह ऊपर की रूफ है वो सब ब्लैक की ली है। और जितना पार्ट ये वाला है ये हमने पूरा का पूरा कोटिंग में किया हुआ, सेम कलर कोटिंग के अंदर किया हुआ। इधर हम आएंगे मीटर के पीस को, यहाँ मैट ब्लैक में था इसको पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया हुआ। स्टेयरिंग पूरा रैप किया हुआ बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। और उसके बाद स्टेयरिंग में एक चीज मेरे को बहुत खास लगी, काफी बड़ा जो वुडन का पीस इसमें जी, क्योंकि अब क्या हो गया सर, एक फील जो गाड़ी ड्राइव की है ना वो यहाँ सामने ही रहती है सामने, और इसको देख के तो मतलब एक ड्राइव करने में भी जो मजा आता ना, मतलब आंखों तो आप कहेंगे कि इस पे ही नजर नहीं रहती, मेन बात ये होती है मेन नजर सड़क पे रहती है पर हाथ में हमारे ये चीज रहती है। एक चीज कोई आप ड्राइव कर रहे हो तो एक फील आ रही है लग्जरी वाली, तो लग्जरी की फील के अंदर ना बैठ के एक अलग ही मजा आता है। और इवन डोर में आपको दिखाई चुके हम लोग कि पावर विंडो के पीस वगैरह ये सब दिखाई चुके हैं। अपन नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमने इसके अंदर स्टीरियो भी लगाया है, हाइपरसोनिक ब्रांड का ही है वो टस्क्रीन का। उसके बाद नीचे पीस में आते हैं, इधर हमने इसको पूरा का पूरा पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया है, पूरा मैट ब्लैक में था। नीचे तक जितना पीस आप देख रहे हैं पार्ट देख रहे हैं वो सारा का सारा उसमें पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट। ये लाइटिंग वगैरह भी की है जी, इसमें लाइटिंग भी लगा रखी है, एंबिएंट लाइटिंग, एटमोस्फेयर लाइट। उसके बाद जो ये वाला पीस देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा वुडन में कन्वर्ट किया हुआ है, मैचिंग वुडन की ली हुई है, हर जगह कोई हाईलाइटिंग भी लिया हुआ है। उसके बीच में अगर आप देखो तो छोटा सा पार्ट है जिसको हमने एक पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट किया। ओके, काफी डिटेल में मैं थोड़ा जूम में दिखाता हूँ, ये देखो जो हम पता ही नहीं चल रहा जी ये दोनों एक साथ वुडन भी हो सकते थे क्योंकि सिंगल पीस था लेकिन ये खुल सकता था, इसको हमने हाईलाइटिंग ब्लैक का लेते हुए क्योंकि लाइव देखने में अलग ही हाईलाइट मार रहा है। ये गियर बूट बनाया है इसके अंदर पूरा का पूरा हमने सेम चुने, और ओवरऑल पूरा डाई कंसोल जो आमरेस्ट है आगे का हमारा तो पूरा इसी लेदर फिनिशिंग बना हुआ सीट के अंदर भी सीट के अंदर भी डबल कॉम्बिनेशन दिया, थोड़ा थोड़ा डिजाइन डाला सीट के अंदर, ज्यादा डिजाइन इसलिए डाला क्योंकि ज्यादा डिजाइन से थोड़ा सा चीप लग जाता है। एक बार सीट दिखाते हैं आपको निकल के बाहर से, सीट दिखाने से पहले एक बार मैं आपको पूरा डैशबोर्ड फिर से दिखाना चाहूंगा जो कि वुडन का काफी स्मार्ट यूज किया गया। उसके अलावा यहाँ पे सिंपल रखा, अगर यहाँ अगर कोई वैसे वुडन की डिमांड करे तो ये चीज भी हो जाएगी, कर सकते थे बेसिकली, क्योंकि क्या है कि वुडन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था इसको छोड़ा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल क्या है डैशबोर्ड में साल चमक थोड़ी ज्यादा, तो यहाँ पे जो पियानो ब्लैक किया गया मीटर की साइड अगर हम बात करें तो थोड़ी डिटेलिंग को तो कहीं कहीं हाईलाइट नहीं रही मेरी, ये आप देख लो
उसके अलावा इस गाड़ी में जो है, अगर मैं ये लाइट्स बंद कर देता हूँ, मुझे लाइट्स बंद कर देना एक बार, लाइट बंद कर देता हूँ, तो ये तो ब्लैक रखा गया, पर इस बार छत को आप देख सकते हैं सिंपल रखा गया। ऑल्दो ऑप्शनल रहता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये चीज ऑप्शनल रहती है ना भैया। जी जी तो अगर अगर मतलब कोई आए अगर ऐसे गाड़ी हो उसके पास, तो स्टार लाइटिंग ऑप्शन इसमें भी हमको मिल जाएगा। और प्लस आप एक चीज देखेंगे, अगर जो ब्लैक भी किया ना, तो ब्लैक की जो फैब्रिकेशन है ना, अगर आप देखेंगे ना, एक जेन्युइन फैब्रिकेशन की गई है, कि वही नहीं है कि कोई कारपेट, जो हम कारपेट बोलते हैं, लेकिन कारपेट कई तरह के होते हैं। कारपेट आप देखेंगे तो एक मोटा कारपेट रूल वाला होता है, लेकिन ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक अलग ही चमक है, स्मूथनेस है और चमक एक बिल्कुल एक स्मूथ है, कि अगर फील भी जो है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली फील दी है, कि जो कंपनी फिटेड एक चीज आती है, बट उसको लेकिन कॉम्बिनेशन में ब्लैक करना था, तो इसलिए फैब्रिकेशन भी जनरल यूज की गई है ऊपर भी। मतलब बड़ी चीजों को ध्यान रखा जाता है इन चीजों के अंदर, कि कहीं भी कुछ मिसमैच ना हो। चले फिनिशिंग की बात करें तो बिल्कुल जैसे कारपेट ओरिजिनल कंपनी का फिनिशिंग जैसे होकर आता था, बिल्कुल वैसी वैसी फिनिशिंग। यहाँ पे भी ब्लैक किया, ये हमारा सनग्लास होल्डर है जी, ये पूरा इनसाइड ब्लैक किया हुआ पूरा, ठीक है। यहाँ अंदर अच्छा वही छत वाली फैब्रिकेशन की गई है, ओके। पूरा कॉम्बिनेशन वाला ही काम किया गया, हर एक जगह को डिटेलिंग को लिया गया इसके अंदर। चलते एक बार गाड़ी में बाहर से आपको सीटें दिखाते हैं, फिर पीछे भी लेके चलते जी। ये साइड आ गया, ये हुई है हमारी सीटें, आप देख सकते हो। ये भैया इसमें पैटर्न चेंज किया ना, ये हमारा कंपनी का पैटर्न नहीं आता इसमें भैया, पैटर्न कंपनी का, ये डिजाइन यहाँ तक कंपनी का ही है। अच्छा, जो हमने यहाँ पैटर्न लिया है, ये थोड़ा सा हमने इसके अंदर डिजाइन डाला। अच्छा, ये इधर से चेंज हुआ ना पैटर्न, के अंदर थोड़ा सा प्लेन ही सीट को अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा डिजाइन डाला है, कि डिजाइन से थोड़ी सी लुक भी गाड़ी आ जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स कार है तो इसलिए उसके हिसाब से देखते हुए थोड़ा डिजाइन थोड़ा डाला। डिजाइन आपकी मर्जी से भी, अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी से भी डिजाइन होगा, क्योंकि i20 हमारी जो ओल्ड वेरियंट है सीरियसली स्पोर्ट्स लुक देती है, तो उसी तरह से उसको थोड़ा इंटीग्रेट भी डिजाइन किया गया। और इधर भी आप ये देख सकते हो, पियानो ब्लैक का यूज किया गया हैंडल्स में, जो कि आगे हुआ है, ये हमारा वुडन का यूज हुआ है, यहाँ भी वुडन का यूज हुआ है। उसके अलावा ये हमारा डोर हुआ है पूरा, और ये देख सकते हो यहाँ पे भी कोटिंग हुई है, पूरी कोटिंग हुई है। सीटों के कॉम्बिनेशन में आपको दिखाऊंगा कि पीछे ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन ही है ओवरऑल, जैसे गाड़ी में हर जगह दो कलर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो इधर भी कॉम्बिनेशन लिया गया ब्लैक कलर का, क्योंकि क्या है कि ओवरऑल पीछे ब्लैक में होता है थोड़ा गंदा भी नहीं होगा कलर, लाइट कलर है, तो ये कॉम्बिनेशन भी बनता है और सुंदर लगता है गाड़ी पीछे देखने में बहुत। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कारपेट यूज किया, जो कि जेन्युइन कंपनी का रहता है, और यहाँ पे इसको सिंपल रखा गया पीछे, ऑल्डो कोटिंग यूज हुई है, यहाँ से इसको सिंपल रखा गया। और बैक साइड पे चलते हैं, तो सीट्स वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी जो है, इसमें बकेट फिटिंग यूज़ की गई है, ये आप देख सकते हो। और अब चलते हैं बैक साइड पे गाड़ी के, आगे हम बैक साइड पे, तो बैक साइड में आपको एक इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है गाड़ी के अंदर, बैक साइड में पार्ट हमारा ये नहीं किया गया, वजह ये थी कि इसके लिए हमें सीएनजी उतारनी पड़ती, ओके, बट कस्टमर ने अलाउ नहीं किया कि सीएनजी उतारने के लिए, ओके, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब इसको ब्लैक का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी गाड़ी में चली रहा है, तो इसको ब्लैक ठीक है, ठीक है। और जो हम पीस कर सकते थे ये वाला जो पार्ट हमने, अच्छा, इनकेस भैया अगर सीएनजी अगर कस्टमर अलाउ कर रहे थे तो यहाँ पे हो सकता था ना, मतलब इसको हम कोटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है चीज, तो हम लोग तो करते ही है, बट लेकिन क्योंकि वो इतना यूज नहीं हो पाते, ये वाला पार्ट बीच का था हमारा, ये खुल सकता था, तो इसको हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, तो एक हाइलाइटिंग आ रही है प्लस डिग्गी वाला पार्ट, तो ये हमारा खुल ही जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब इसको हटाए बिना जो जो पार्ट खुल सकते थे उसमें आपने कर दिया जी, जो डिग्गी वाला पार्ट है हमारा ये हो सकता था हमारा, कि हमने किया इसको पूरा का पूरा, तो सेम कलर कॉम्बिनेशन में, तो ओवरऑल अगर आपको यहाँ से भी दिखाऊं तो फील जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली है। बटरे हटा देते हैं, तो ये आप देखो फील वही है, पूरे इंटीरियर की फील है, बस पीछे में जो हमने आपको बताया। बाकी अगर आप हमारे पीछे बाकी के वीडियो देखोगे ऑटो किंग के, तो आपने देखा होगा कि पीछे तक पूरा जो हम इंटीरियर इसमें कवर करते हैं, तो ये सारा काम हुआ है गाड़ी में जैसे मैंने आपको दिखाया है। अगर आप भी इस तरह का काम चाहते हो तो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप भी भैया से करवा सकते हो। और भैया थोड़ा बताना कॉल के टाइमिंग्स का रहेंगे, कई बंदे कहते हैं कॉल कर रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉल टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे लेकर शाम के 8 बजे तक होता है, ऑफिस टाइम होता है, इन बिटवीन कई बार सुबह ऑन द वे भी होते हैं, शाम को भी ऑन द वे होते हैं, कई बार थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है, तो मैक्सिमम कॉल पिक की जाती है, बट इनकेस अगर कोई कॉल नहीं पिक की जाती थोड़ी देर बाद आप खुद कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आपकी मैसेज। अच्छा मैसेज, अब भैया जैसे 8 बजे का टाइम कह रहे हो, कोई कोई होता है कि भाई ऑफिस से आ रहे हैं 8-9 बजे फ्री हो रहे हैं, तो उसके बाद मैसेज करते हो तो मॉर्निंग आपको उसका जवाब रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी भैया इस टाइप का अगर जैसे गाड़ी हमारी रेडी, इस टाइप का कोई काम कराते कितना टाइम लगता है ये गाड़ी को रेडी करने में? मिनिमम 3 दिन तो लगते हैं, 3 दिन में हो अंदर का काम तो होता ही होता है कि 3 दिन तो मिनिमम लगते हैं, ठीक है। तो ये हम आए ऑटो किंग, आप ये देख लो भैया यहाँ पे मिलेंगे विजय भैया, और स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस तरह का सारा काम, और वीडियो पे आप कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट बार एक और गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं दिखाऊंगा।